दोस्तों 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएस आर्मी के हेनरी इरविन एक दिन B-29 बॉम्बर प्लेन के साथ जापान के केमिकल प्लांट पे अटैक करने जा रहे थे। हेनरी का काम प्लेन से स्मोक बॉम्ब्स को गिराना था। जैसे पायलट ने हेनरी को सिग्नल दिया, हेनरी ने बॉम्ब्स को गिराने का लीवर खींच दिया और बॉम्ब्स नीचे गिरने लगे, लेकिन उनमें से एक बॉम्ब किसी चीज से टकरा के वापस प्लेन में आ गया और हेनरी के पास फट गया। स्मोक बॉम्ब से निकलने वाले केमिकल की वजह से हेनरी की बॉडी में आग लग गई और बॉम्ब से निकलने वाला धुआं पूरे प्लेन में फैल गया, जिससे पायलट्स को भी दिखना बंद हो गया। इससे पहले कि प्लेन क्रैश हो जाता और सब लोग मारे जाते, हेनरी ने स्मोक बॉम्ब को ढूंढ लिया और आग में जलती हुई बॉडी के साथ हेनरी रेंगते हुए विंडो के पास गए और बॉम्ब को बाहर फेंक दिया। जब धुआं खत्म हुआ, प्लेन समुद्र में क्रैश होने से बस 100 मीटर की दूरी पर था। हेनरी की आग में झुलसी हुई बॉडी विंडो के पास मिली और तब तक उन्हें बचाने का कोई भी चांस नहीं था। हेनरी की बहादुरी के लिए कमांडिंग ऑफिसर उनके मरने से पहले हेनरी को मेडल ऑफ ऑनर देना चाहते थे, मगर उस वक्त वहां कोई मेडल्स नहीं थे। जिसके बाद ऑफिसर्स ने म्यूजियम में रखे मेडल ऑफ ऑनर को ग्लास तोड़ के ले आए और हेनरी को सम्मानित किया। हालांकि लंबी सर्जरी तो इलाज के बाद हेनरी को बचा लिया गया और सन 2002 में नेचुरल कॉजेज की वजह से उनकी डेथ हुई।